हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं चिथई मंदिर, जो हमारा बहुत फेमस है, घंटियों वाला मंदिर, जो मोस्टली सबको इसी तरह से पता है। चिथई नहीं पता तो गोलजू मंदिर और घंटियों वाला मंदिर। एंड हम ऑलमोस्ट वी आर वेटिंग फॉर गाड़ी, क्योंकि सर्विस पे गई भी अभी तक आई नहीं है और ये लोग खा के जा रहे हैं। ऑब्वियसली पाँच छः या भूख लग जाएगी, बहुत लेट हो चुका है। पैर घूमना है, खाली पैर। चलिए अभी और देखते हैं कौन कौन रेडी हो चुका है। वैसे सभी रेडी हो चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं और हम उनका वेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ही आए हैं। देखिए, ये होते हैं हमारे भगवान जी। ये है मंदिर, अभी एंट्री दिखाएंगे वहां से। देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया, घंटियाँ अपने विश के अनुसार जिसकी पूरी होती है, जो वो करता है उसके हिसाब से यहाँ पे चढ़ाते हैं। इधर को कितनी बड़ी है। वो लोग भी पहुँच चुके हैं, आ गए हैं और हम हमारी एंट्री यहाँ से मंदिर। हमने सबने शूज उतार दिए हैं किनारे किनारे, कुछ तो रिकॉर्ड करना है। आधी सॉक्स नहीं उतारना बेटा, गर्म हो रहे हैं ना। घंटियों की आवाज सुन रही हो? आज सैटरडे इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ भी है और बहुत सारे मंकीज होते हैं, इसलिए प्लेट में देना प्रसाद बनते हैं, इन्हें ढकना पड़ेगा प्रसाद को। ये हम बजाएंगे घंटी। इस लाइन देखो, मंदिर की एंट्री वहां है और लाइन देखो, कितने पीछे लगे आज हम। अरे हट जाओ। ज़्यादा बड़ी है तो हम थोड़ा अलग रूट ले रहे हैं। गाइस, हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं, जिससे सबसे भीड़ है और पैर जल रहे हैं, क्योंकि तो नंगे पैर हैं। और देखो लाइन अभी भी कितनी लगी है। हाँ, हमारे दर्शन हो गए हैं, अभी आधी फैमिली बाकी है, वो लोग आ रहे हैं दर्शन के बाद, फिर जाएंगे। ये देखो कितनी, बजाना इतना डिफिकल्ट है, इतनी बड़ी। ये छोटी छोटी बजा रहे हो। यहाँ पे फोटो सेशन अलग चल रहा है, पैर अलग चल रहे हैं। पूरा हिल रहा है भाई साहब। मैंने प्यास लग गई, इतनी गर्मी यहीं पर ही है, तो मैं सोच रही हूँ कि दिल्ली में क्या हाल होगा यार। बारिश हो जाए एक दो बार तो मजा आ जाए। गाइस, इस बार हमने एग्जिट पीछे वाली साइड से की है, कुछ टाइम के बाद मेन यही बनने वाला है। एंट्री यहाँ से सारी एंट्री वगैरह यहीं से। अच्छा। वो केवल मार्केट रहेगी शॉपिंग वगैरह के लिए। कितना टाइम लगेगा डेवलप होने में ये? कम से कम 2 साल। ये जितनी भी दुकानें हैं ना उधर, जो बाहर ऐसे वो फल टाइप के लगे हैं, वो सारे इस लाइन में आ जाएंगे। अच्छा। ये मेन रास्ता हो जाएगा मंदिर में एंट्री करने। ये अच्छा रास्ता यही रहेगा वैसे। और ये पार्किंग वाला एरिया पूरा सेपरेट हो जाएगा ना, फिर उधर जाम कितना ज्यादा लग जाता है। ये भी ठीक है, पूरा सेपरेट हो गया इधर। वैसे यहाँ खड़े होकर हवा कितनी अच्छी आ रही ना। ये देखो गाइस, इतनी गर्मी लग रही थी मंदिर के अंदर और यहाँ आते पहाड़ में यही है, चाहे टेम्परेचर कितनी ही तेज़ बैठ सकते हो इधर बैठने का। टेम्परेचर कितनी तेज़ है, लेकिन अगर हम पेड़ के नीचे है ना, बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। व्यू दिखाना। ये देखो, तो हम मिलते हैं बाकी कहाँ, डाना गोलू जी के पास। बाय बाय।
प्लेयर लॉस्ट है, गायब है। हाय आदि, आपने जूस पिया? तो ये आ गया हमारा डाना गोलू, और यहाँ पे देखो सारे आर्मी वाले भी आ रखे हैं। इस डाना गोलू जी, जो उनका शौक था ना बीड़ी पीने का, उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था, तो यहाँ से बीड़ी का बंडल और मार्चेस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि फेवरेट चीज़ थी ये। एंड यहाँ से ये हो गई एंट्री हमारी। जय हो। तो वी आर रिमूविंग, और यहाँ पे सारे आर्मी वाले आ रखे हैं, और यहाँ से एंट्री है। भाई हम तो अपने देवताओं को बहुत मानते हैं। ये देखो यहाँ पे कुहू का मम्मी स्टार्ट हो चुका है। जय हो। कुछ बोलो। कुछ नहीं, बस जाओ। बहुत प्लानिंग बहुत तेज़ होने वाली है। ना नको, तेल वैसे भी नाम मात्र होता है, दो बूंद। बिड़िया हो। अच्छा, आप बिड़ी आदि, व्हाट आर यू ईटिंग? प्रसाद ऐसे चार चार फिंगर की सॉल्ट। अरे जला के रखते हैं उसमें ही डब्बे में। हेलो, तो अभी खाली कराऊंगा ना। मंदिर का है, हम आ चुके हैं। कहाँ? पेट नहीं भरेगा। रात को होना गमले कैसे करो? एक बच्चा सो गया, दूसरा बच्चा भी सो गया, छोटे छोटे भी ना यहीं। आधी फैमिली उधर बैठी है, खाना अभी डिसाइड हो रहा है क्या मंगाना है। इन्होंने थाली मंगाई है, और ये पापड़ रखे हैं। उधर भी थाली वाले हैं, थाली खा रहे हैं। बच्चा अपने कोल्ड कॉफी एंड बर्गर खा रहे हैं। ये हो गए फ्राइड राइस, ये हो गए नूडल्स। खाओ 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 खाओ, आदि खाओ, उठ जाओ बेटू। पराठा ऐसे वो थोड़ा नाम भी कम है ना, ये ले ले मटर पनीर की है, ये अच्छी पराठा। अब पेट पूजा के बाद हम जा रहे हैं। हाँ, अब नया हुआ है। अब हम जा रहे हैं कसार देवी, और यहाँ पे स्टेयर्स हैं काफी सारी। गाइस, अगर आप उत्तराखंड में आ रहे हो ना, तो माइंड अपना ही सेट करके आना कि आप घूमने जाओगे ना, तो पर्पस मेनली घूमना, मैक्सिमम टेम्पल्स में आपको जाना है और कवर करना है। सूट वगैरह अकेले हैं ऐसे, नहीं तो लोगों को मांगने पड़ जाते। हाँ, इंडियन ड्रेसेस ज़्यादा लेके आए, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने की है वो टेम्पल्स ही है, क्योंकि एक से एक फेमस प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ, और जेन्युइनली जहाँ लोगों की इच्छा पूरी होती है। एंड आई हैव वन ऑफ द एग्जाम्पल हेयर। ये अभी हम चितई मंदिर गए थे, ये बहुत ज़्यादा मानती है, तेरा एक्सपीरियंस इन सबसे ज्यादा है, बिकॉज तूने जो मांगा है वो फुलफिल ऑब्वियसली। बाकी ये हमारा भी डेढ़ महीने में दूसरा चक्कर है। यहाँ से अब हम प्रसाद ले रहे हैं, और अब आगे बढ़ते हैं। सब चले गए, हम पीछे रह गए। भागो, ऊपर जाना है हमको अभी दिस टाइम। तो यहाँ से एंट्री है, माता रानी का मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल है, और यहाँ से एंट्री करेंगे, वहाँ से निकलेंगे पीछे से। पैसे तो बेसिकली घंटियाँ ही चढ़ती है यहाँ पे, सब घंटियाँ ही चढ़ाते हैं। ये बहुत सुंदर है यार, ठंडी हवा चाहिए तो जरा हटियो। देखिए यहाँ से व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट अनफॉर्चुनेटली पहाड़ों में आजकल इतनी आग लग रखी है ना कि हर जगह ये जल रहे हैं यार। यहाँ पे होनी चाहिए बारिश लगातार कुछ दिन, तब जाके यहाँ वेदर थोड़ा अच्छा होगा, ये जला हुआ सब ठीक होगा। ध्यान लगाएंगे, बहुत अच्छी हवा चल रही है।
गाइज हमारे दर्शन हो चुके हैं। ये देखिए नेचुरल तरीके से नंदी भगवान बने हुए हैं। ये धुनी हो गई और जो वैसे बनवाए हैं तो वो हो रहे, और अंदर का मैं रिकॉर्ड नहीं करती बिकॉज भगवान डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसा मैंने सुना है। चलिए गाइज हमारे यहाँ पे भी दर्शन हो चुके हैं, और वो सी दर्शन बहुत अच्छा लगता है, दर्शन करके तो बहुत मजा रिलैक्स मिलता ना मंदिर में जाके। बस अगर एक दो बार बारिश हो जाए मेरे ख्याल से फोन वगैरह नहीं होने चाहिए थे, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारे फोन। मैंने एक भी मंदिर की नहीं ली है, नहीं ऐसे कहते हैं कि फोन से ज्यादा हाँ फोटो वोटो के लिए बाहर नहीं, ये हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि फिर क्या होता है फोन के चक्कर में ना सब फोन ही क्लिक करते रहते हैं। अंदर वैसे भी जो भगवान होते हैं उनकी कभी भी फोटो वीडियो नहीं लेनी चाहिए, कहते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं उनके साथ जो जितने भी वो होते हैं ना क्या कहते हैं उनकी हम शायद क्या कहते हैं देवी देवताओं का वो जो होती है एक जो आती हैं हेल्प के लिए रानी कितनी हाँ समझ गई ना उनको डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो आपके साथ उन्होंने पंडित जी ने बोला कि अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती है, तो डिस्टर्ब में कौन सी आ जाए आपके साथ आपको पता नहीं है। तो कभी भी मतलब जो जो भगवान की जहाँ सिद्धि दी है वहाँ मत करो, वो ध्यान लगा के बैठे होते हैं वहाँ, ये बोला है भगवान। अब हम आ गए हैं पाताल देवी मंदिर, आज हम सारे मंदिर एक्सप्लोर कर रहे हैं और बड़ा ही मजा आ रहा है। टैनिंग तो हो गई तो हो गई, मंदिर आ गए। ओ बेटा इस साइड से, इस साइड चलो, इस साइड चलो, वो रहा मंदिर। ये जय हो, जय माता रानी। उसका हाथ पकड़ लो, डोंट रन, ऐसे बोलो जय माता दी। ये पानी इतना ठंडा है कि फ्रिज की भी जरूरत नहीं है। हाँ बहुत ठंडा पानी है, खोल के दे मैं पीऊंगी और फिर भर लेंगे। नेचुरल तरीके से आ रहा है ना छोटी बाटी में पानी पीने के लिए, और बहुत ठंडा मन कर रहा है वही रहना, बट इतना ठंडा है कि मतलब तबीयत खराब हो सकती है। पैर अभी तक ठंडे हो रहे हैं मस्सी पीने के बाद। इधर आ बेटा, किसी ने डाल रखा है। चलें जो पानी है ना बहुत ही नेचुरल तरीके से आ रहा है ऊपर, आप देखोगे मैंने पहले ही बताया था इतना साफ नहीं है, पर यहाँ साफ और ठंडा पानी बहुत ही मजा आ गया। ये पानी पी के गाय का दूध दूध बहुत बड़ा होगा, चलो दर्शन होंगे वहाँ भी कर लेते हैं। मैं घर पहुंच चुकी हूँ और भाई बाकी लोग अभी तक नहीं आए हैं, और आयशी वेट कर रही है तब ले, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, इसे फर्क ही नहीं पड़ता है, बहुत टैन हो रही है यार। आई नो 10 बार रिपीट कर दिया बात, हो तो गई है। चलो चलो चलो, आज सुबह से काम करने का टाइम नहीं मिला आपको, खौर अभी धो के आ रहे हो आप, सर धो लेते खौर क्यों धोया। इसको पता ही नहीं है कुछ, मुझे लोग कमेंट करते कि लोग बोलते प्लीज रोज डाला कर, चाहे 4 लोग ही होते पर वो 4 लोग की भी अहमियत है। बूंद बूंद से सागर तो नहीं लेकिन घड़ा भरता है तो फिर अड़ जाएगा, बढ़ जाएगा एक दिन। ये देखो कौन आ रहा है, देखो देखो। तो हम सब घर आ चुके हैं, चेंज वेंज कर चुके हैं, रेस्ट भी कर चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा ऐसे घूमने। यहाँ देखो क्या चल रहा है, चलो चलो मेहंदी लगा ली इन्होंने तो घर आके, देखो कितनी अच्छी लगाई है यामिनी ने, लगाई है बहुत ही हाथ साफ है, बहुत ही अच्छी लगा रही है यार। मेरे को मेहंदी मैं लगाती नहीं हूँ, पर इन बच्चों की मेहंदी देख के ऐसा हुआ कि लगवा सकते हैं। देखो ये देखो नाइस ना, और फिनिशिंग मतलब, और अभी सीखी उसने कुछ टाइम में सीखी, इतनी फिनिशिंग इतनी अच्छी है। ये देखो छोटी सी क्यूट सी, चलो हमारे किचन गार्डन, ये देखो हमारे किचन गार्डन जो मैंने आपको दिखाया था, इतने सारे टमाटर क्लियरली विजिबल है, और उधर शिमला मिर्च भी आ गई है ना, और अब तो बैंगन भी आ गए, बैंगन भी देखो बड़े क्यूट से आए हैं छोटे छोटे से। अभी जीजू और मैं जा रहे हैं मोमोज खाने के लिए, और हट गए यार ऊपर आते आते। तो
फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और सुना है अभी तक फेमस है, लेट्स सी कि कैसा टेस्ट होता है। वैसे एक बार धनुजी जी लेके आए थे एंड टेस्ट वॉज क्वाइट नाइस एंड ऐसे। तो जीजू एक मिनट मैं भी दिखा रही हूँ वीडियो। तो हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण जी के मोमोज, जो कि है क्या है ये, जगत सिंह बिस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ के ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी कि कैसा होता है। हमने खा लिया है और अब हम चल पड़े और हमने पैक भी करा लिया है। टेस्ट अच्छा था, यहाँ के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा था, पर स्टीम वाले नहीं थे, ये फ्राइड थे। दिल्ली के हिसाब से भी बहुत बढ़िया था बेटा, अच्छा था, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं भी कह रही थी, लेकिन मोमोज खाने का मतलब स्टीम वाला अलग ही था चीज़ हमारे, पर टेस्ट तो अच्छा था। भीड़ देखी आपको, मैंने दिखाई थी बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, बहुत बच्चे मोमो लाई में ओके। यहाँ पता नहीं कौन कौन खाने वाला है, कौन कौन नहीं खाने वाला है खाना। ये देखो शराबी, क्या शराबी हिट गया समझो, चलो बच्चों बाय कर दो, गुड नाइट कर दो। हाँ बेटा हो गया टाइम।